पता है पिल्लू, तेरी और मेरी लाइफ ना बहुत सेम है। तूने भी अपनी मम्मा को खो दिया और मैंने भी अपनी मम्मा को खो दिया, और भगवान जी ने मुझे somehow आई के रूप में दोबारा एक मम्मी दी, पर मैंने आज उनको भी खो दिया। सच्ची हम दोनों का ना बहुत ही बैड लक चल रहा है। पता है पल्लू, जब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी ना, तब आई ने मुझे इस घर में बना दी, हमेशा मेरा साथ दिया। जब सब मेरे खिलाफ थे, आई मेरे साथ थी, और आज आज आई को इस घर से जाना पड़ रहा है। तू क्या इन बड़ी बड़ी आंखों से मेरी बकबक सुन रहा है? कोई आइडिया नहीं दे सकता मुझे जिससे हम आई को जाने से रोक पाए? मैंने तुझे बॉन करने में हेल्प की थी ना, आज मेरी हेल्प नहीं करेगा पिल्लू? कैसे निकाल सकता है? लाइए उसे, मैं उठाती। झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी वजह से हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। पल्लवी, ये बैग लेकर जाओ। कोई इस घर से कहीं नहीं जाएगा। होती कौन हो तुम फैसला लेने वाली? देखो कल्याणी, दोबारा कोई ड्रामा मत करना। तुम्हारे रोने और गिड़गिड़ाने से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। मैं गिड़गिड़ाने नहीं आई हूँ इधर, मैं सिर्फ वो चीज इनको वापस देना चाहती हूँ जिन पे इनका हक है। पावर ऑफ अटर्नी देखी है तुमने? उसके हिसाब से मेरे अलावा इस घर पे किसी का हक नहीं है। ये घर मेरे पापा अतुल देशमुख का भी है। अफसर ने भले ही पापा को इस घर से बहुत पहले निकाल दिया, लेकिन कानूनी तौर पे मेरे पापा इस घर के बेटे हैं, तो अभी भी उनका पूरा हक है। इंटरनेट पे भी लिखा। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कल्याणी कि कायदे कानून अब मुझे तुमसे सीखने पड़े। मुद्दे पर आओ, कहना क्या चाहती हो? आ रही हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अवसर ने जब आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स दिए थे, उस पर मेरे पापा का साइन तो नहीं था ना? और मैं उनकी बेटी हूँ और आई उनकी पत्नी, तो यही यही कि अगर मेरे पापा के उन पेपर्स पे साइन नहीं है, इसका मतलब पापा का अभी भी इस घर पे हक है। और क्योंकि आई पापा की पत्नी है, तो उनका भी हक हुआ ना? आप बोलो मल्हार,
अरे बोलो ना, हमारी पोती सही कह रही है, इस वाड़े का एक हिस्सा हमारे बेटे अतुल की संपत्ति है, तो उसकी इजाजत के बगैर तुम इस सारे घर पर कब्जा कैसे कर सकते हो? तो तुम कहना चाहती हो कि कानून के मुताबिक इस घर पर हक माई का भी है? मैं क्या आपको कानून सिखाऊं मल्हार जी, अब तो बेहतर जानते हैं मुझसे। प्लीज गॉड, कुछ ऐसा करो जो ये प्लान काम कर जाए और मल्हार जी आए और बाकी घर वालों को घर से ना निकाले। प्लीज प्लीज प्लीज। देखा कितनी समझदार है मेरी पत्नी। कल्याणी जो कह रही है वो सही है, कानूनी तौर पर इस वाड़े पे आपका भी हक है। और आप चाहें तो परिवार के सदस्यों को अपने साथ रख सकती हैं। तो मेरा भी बनता है। बीच में मत बोलिए। ठीक है, आप लोग रह सकते हैं। तो क्या अब हम सब अपने कमरे में जा सकते हैं? कमरे नहीं, कमरा, एक कमरा मिलेगा आप लोगों को। वरना कानूनी दावपेच मुझे भी आते हैं, और आप में से किसी को एतराज है तो वो इस वाड़े से बाहर जा सकता है। अरे एक कमरे में इतना बड़ा परिवार कैसे? परिवर्तन आओ साहेब, परिवर्तन। परिवर्तन तकलीफ नहीं देता, लेकिन अगर आप परिवर्तन का विरोध करेंगी तो तकलीफ जरूर देगा। अब मुझे ही देख लीजिए कितना बदल गया हूँ। पहले आप सब पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकता था, लेकिन अब तो आंखें खोल कर भी आप पर भरोसा नहीं कर सकता मैं। हम सब एक कमरे में गुजारा कर लेंगे। आज तुमने साबित कर दिया बेटा कि तुम हमारा खून हो। जीती रहो। थैंक यू मल्हार जी। थैंक यू किस बात का कल्याणी, इसमें तो मेरा ही फायदा है ना। अब इन सब के सामने मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर कर दूंगा। तुमने मुझे एक और मौका दिया है इन सब को दुख देने का, इसलिए थैंक यू। चल नल साइड में जा। क्यों? मुझे मेरे कपड़े रखने हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मैं अपने कपड़े रखूंगा। ना, मैं बोला ना मैं अपने कपड़े रखूंगा यहाँ पे। नहीं, पर मुझे रखने मेरे कपड़े हैं। सुनो, झगड़ा मत करो। गोदावरी तुम आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे रख दो। अरे विवेक क्या कर रहे हो, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। ओफो। रखो। पल
रवि, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, माफ करना हो साहब, देखिए ना, सारे साड़ियों की इस्त्री खराब हो गई, अब मुझे वापस सारे कपड़े इस्त्री करने पड़ेंगे। मैं अभी हटा। नहीं सुना, नहीं हमने क्या कहा? हटाओ, हटाओ ये सब। हाँ, हम हटा। माफ करना उसे। मन तो कर रहा है कि ये बैग उठाऊं और तुम्हारे सर पे पटकूं। नहीं नहीं, निकलो हमारे कमरे से। लेकिन आओ साहब, ये कमरा तो माई का है ना? क्या कहा तुमने? अरे हो क्या गया तुम्हें पल्लवी? अपने भाई के मौत के बाद तुम्हारे दिमाग पर भी असर हो गया क्या? चलो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। आओ सर, आप और अप्पा इसी कमरे में रहिए, बाकी हम सब तो बाहर आंगन में भी रह सकते हैं। आंगन में? आंगन में? हाँ, हम बाहर आंगन में सो लेंगे। हाँ, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, पता नहीं इनकी हुकुम चलाने की आदत कब जाएगी। आई प्लीज, गुस्सा थूक दो ना, कर लो ना बात मुझसे, मुझे आपकी बहुत जरूरत है आई। आपके बिना बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी मैं यहाँ पे। पता नहीं माई को इतना महान बनने की क्या जरूरत पड़ी रहती है। कैसे रहेंगे हम लोग यहाँ आंगन में, और सोएंगे कहाँ पर? ऊपर से मच्छर काटेंगे वो अलग से। आंगन? यानी कि आई को आंगन में सोना पड़ेगा? अरे देवा, वो क्या है? वो मैडम, सर ने फाइल्स मांगे हैं कमरे से। फाइल कहाँ भागी जा रही है? बाद में ले लेना, आप पहले मेरा एक काम करें। इधर आई। वो जो हॉल में गद्दे दिख रहे हैं ना पुराने से, उनकी वजह से हॉल का पूरा सेटअप ही बिगड़ रहा है और बहुत पुराने भी हो गए। आप उन गद्दों को ना लाके आंगन में फेंक दीजिए। ठीक है? ठीक है। चाहिए। गोदावरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ अगर किसी चीज की कमी होगी ना तो हम बाहर से खरीद के लेके आएंगे, लेकिन हमें किसी के खैरात की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ माई, पैसे तो पेट पर रुकते हैं, आप जाओगी तोड़कर नई नई चीजें लेकर आओगी, हो कि नहीं? वैसे भी ना माई, आपको ना खैरात की आदत होनी चाहिए, इतने सालों से जो लेती आ रही हो, है ना? देखो, आपको इसकी भले जरूरत ना हो लेकिन मुझे इन गद्दों की जरूरत है, समझ? अरे क्या चाची, आप भी संभाल के ना थोड़ा, देखो अब लग गई ना। और मैं तो कह रही हूँ अब से ना मुंह भी थोड़ा संभाल के ही खोलिए, अब इतने दिनों से जो चलता आ रहा है उसको तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन अभी जिस छत के नीचे आप रह रहे हैं ना वो भी आई की ही खैरात है। हाँ हाँ, अब तो तुम इतने बड़े वाड़े की मालकिन हो गई हो, अब तो तुम्हारी बातें भी हमें सुननी पड़ेगी, हो कि नहीं? लेकिन दूसरों को ज्ञान देने से पहले ना खुद के कपड़े देख लिया करो। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि शादी के बाद कैसे कपड़े पहने जाते हैं? हाँ? आई बड़ी मुझे ज्ञान देने के लिए। गोदावरी, खबरदार अगर शादी के बाद कभी तुमने जीन्स पैंट पहनी तो। नई दुल्हन की परीक्षा लेने के लिए दूर दराज से लोग आते रहते हैं, इसलिए नई दुल्हन ने हमेशा अपने संस्कारों का दामन पकड़ कर ही चलना चाहिए। मंगलसूत्र और सिंदूर रोज पहनना चाहिए और कपड़े भी ऐसे पहनने चाहिए जो अपने संस्कृति और सभ्यता के अनुसार सही हो, जैसे सलवार कमीज, पंजाबी सूट, साड़ी। समझ में आया कि नहीं? पर मैं तो हाँ। ठीक है, चुप अभी, चलो। थैंक यू। Thank you.
थैंक यू आई, आपने मुझे जो कपड़े गिफ्ट किए मैं वही पहनूंगी। आप भले ही सीधे मुझसे बात ना करो, लेकिन इस तरह मुझे हमेशा गाइड करते रहना। थैंक यू। मंगलसूत्र और सिंदूर रोज पहनना चाहिए और कपड़े भी ऐसे पहनने चाहिए जो अपने संस्कृति और सभ्यता के अनुसार सही हो। बिल्लू को दूध पिला देती हूँ, काफी देर हो गई है। A1 डेकोरेशन है ना? ये मेरे डिपार्टमेंट वालों ने किया है। क्यों? अब यहाँ पर वही मेरा परिवार है ना, तो मेरे लिए कमरा भी वही सजाएंगे। पर इसकी क्या जरूरत है? मेरा मतलब, अरे आज शादी के बाद पहली रात है ना, सुहागरात तो सजे हुए कमरे में ही मनेगी ना। पाटिल भाई अंदर आइए। यस सर। क्या आज रात के लिए आप मेरे बेटे को अपने पास रख सकती हैं? चिंता मत कीजिए, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। देखिए कितने आराम से लेटा है। संभाल के, वो बच्चे की गर्दन अभी भी बहुत नाजुक है। मैडम आप चिंता मत कीजिए, 2 साल का बेटा है मेरा, मैं हॉल में ही हूँ, पूरी रात जागी रहूंगी। और वैसे भी आज रात के लिए आपके बच्चे के लिए क्या परेशानी होने दूंगी। ओके सर। देख लिया क्या? नहीं। तो खड़ी क्यों हो? बैठो, मेरे डिपार्टमेंट ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बिस्तर सजाया है। बिस्तर? बैठो। हाँ? कल्याणी मैंने कहा बैठो। हे गणपति बाप्पा,
कल्याणी को शक्ति देना। बच्ची है वो, एक विवाहित स्त्री की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है अभी। मेरा तो ये सोच के ही दिल घबरा रहा है कि कहीं मल्हार कल्याणी के साथ नहीं। मल्हार भले ही गुस्से में हो लेकिन वो बुरा आदमी नहीं है।